ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की अराजकता चुनावों में दिख रही है, उससे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव निष्पक्ष होगा और बिना गुंडागर्दी के होगा। हमारे लोगों को गिरा गिरा के मारा, लाठियां जलवा दी यहाँ पे। पुलिस अधिकारी एक राजनीतिक दल का नाम लेकर कह रहे हैं कि उन लोगों के पास बम है। सर ईटा पत्थर मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर, ये लोग बम बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले विधायक और जिलाध्यक्ष विमल भी है सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस और मैं हसन। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके की अराजकता, राम राज्य, जंगल राज्य, गुंडा राज, जो भी है वो जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि हम केवल आपको विजुअल दिखा सकते हैं। उसमें आप देखिए कि किस तरीके का शासन है, प्रशासन किस तरीके से हाथ जोड़े खड़ा है नेताओं के सामने। बड़बरा में गोलीकांड हो गया, बड़बरा में गोलीकांड हो गया, गोली चली पुलिस में और इसमें। हाँ, पुलिस फायरिंग कर रही है और एसपी को कंटाप में मार दिया। उन बाहुबलियों के सामने जो राज्य में अराजकता फैला रहे हैं, पुलिस प्रशासन हाथ जोड़ के खड़ा है कि इस टाइम बख्श दो, हमें माफ कर दो या व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करो। किस तरीके से उन पे पत्थरबाजी हो रही है, जब वो शिकायत कर रहे हैं तो मना किया जा रहा है कि पत्थर हमने नहीं बरसाया है। तो चुनाव में इस तरीके की बातें हो रही हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं उत्तर प्रदेश के, किस तरीके की शासन व्यवस्था है, और जो कि लचर नजर आती है उन बाहुबलियों के सामने जो कि इस वक्त चुनाव में हिस्सा ले रहे थे या किसी का समर्थन कर रहे थे। पुलिस अधिकारी एक राजनीतिक दल का नाम लेकर कह रहे हैं कि उन लोगों के पास बम है। ये लोग बम बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले विधायक और जिलाध्यक्ष विमल भी है सर। हाँ, इनके साथ विमल भदौरिया था। वो शायद इस बात से डर रहे होंगे और उसी की वजह से अच्छी कार्रवाई भी नहीं कर सकते, मतलब कि जो होनी चाहिए। उनको डर होगा कि सामने वाले पर अगर बम है तो न जाने वो क्या करेगा, किस तरीके के दबाव में रहकर पुलिस प्रशासन ने ये काम किया होगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से ये वीडियो आए हैं, इनमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव किस तरीके से प्रभावित हुए होंगे। जाहिर है दबंगों के आगे चुनाव जरूर प्रभावित हुए होंगे और वो लोग नहीं जीत पाए होंगे जो सही में हकदार थे। इससे पहले उत्तर प्रदेश से वो विजुअल और तस्वीरें भी सामने आईं जिसमें महिलाओं की साड़ी तक खींची जा रही थी, महिलाओं के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ और बदसुलूकी की गई,
वो भी शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा। हो सकता है और राज्यों में ऐसा हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पहली बार ही था जहां पर महिलाएं थाने के आगे सर रखे हुए कह रही हैं कि हमारी मदद करो। समाजवादी नेता आजम खान ने संसद में एक शेर पढ़ दिया था, जिसके जवाब में मीनाक्षी लेखी, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण महिला हितों की बात करते हुए संसद की दरो दीवार उन्होंने हिला दी थी। अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साड़ी खींची जा रही है, वो थाने के सामने अपनी फरियाद लेकर खड़ी हैं, लेकिन उनकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं सोने पे सुहागा ये कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी एक महिला है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की अराजकता चुनावों में दिख रही है, उससे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव निष्पक्ष होगा और बिना गुंडागर्दी के होगा? उस पर भी सवाल उठेंगे। और अगर जो भी सरकार वो सत्ता में आएगी, वो तो हमेशा सवालों के घेरे में ही रहेगी। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन सोइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।